हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपके भी व्हाट्सअप नंबर पर जो है ओटीपी नहीं आ रहा है, 6 डिजिट का जो वेरिफिकेशन कोड है वो रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में काफ़ी लोगों के साथ यही एरर चल रहा है। जब वो अपना व्हाट्सअप अकाउंट बनाने जाते हैं तो उसके नंबर पर जो है वेरिफिकेशन कोड यानी जो ओटीपी है वो नहीं आता है। तो कैसे दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? और काफ़ी लोगों का दोस्तों व्हाट्सअप अकाउंट जो है व्हाट्सअप नंबर ऑटोमेटिकली 2-3 दिन बाद जो है लॉग आउट हो जाता है, तो इसका क्या कारण है ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना नंबर डायल करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे में कोड आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो कैसे हमें क्या करना होगा ताकि हमारे जो है कोड हमको मिल जाए और हम अपना व्हाट्सअप अकाउंट यहाँ पर बना पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना नंबर डायल कर दिया है। आप अगर नंबर को देखना चाहो तो स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर देख के पहचान सकते हो कि मेरा यही नंबर है, और इसी में मैं आपको कोड लाके भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका नंबर जो है वो सही है या फिर गलत है। अगर आपको गलत लगेगा तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अगर सही है तो आपको सिंपली ओके कर देना। आप ओके करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कंटिन्यू करोगे तो आपको डायरेक्ट जो एक कॉल आएगा और यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, बट कॉल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ओटीपी लेना है तो आपको वेरीफाई विथ एसएमएस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको टाइमर लग जाता है, 1 मिनट 2 मिनट अलग अलग जो है बार बार ट्राई करोगे तो आपका टाइमर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक कोड आना चाहिए जो कि हमें नहीं आ रहा है, तो इसका कारण क्या है, कैसे हम इसे फिक्स कर सकते हैं, क्या करना होगा? ठीक है, यहाँ पे डिड नॉट जो है रिसीव कोड पर क्लिक करोगे, जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा तो आपको कॉल का ऑप्शन आएगा, लेकिन कॉल पर भी अगर क्लिक करते हो तो आपको कॉल नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने ट्राई करके देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज करता हूँ 30 सेकंड के लिए, तब मैं फिर आपको दिखाता हूँ जो कॉल आता है या नहीं आता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसे फिक्स करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है टाइमिंग खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे जो ये डिड नॉट रिसीव कोड है, ये हम लोग का जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ग्रीन कलर आ जाएगा, इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, रिसेंट एसएमएस यानी दोबारा आप जो है फिर से एसएमएस का जो है कोड ले सकते हो, बट कोड नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम क्लिक नहीं करेंगे। दूसरा आता है कॉल मी यानी कॉल कर सकते हो, तो कॉल करके भी हम लोग देखते हैं क्या पता कॉल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कॉल भी नहीं आ रहा है, मैंने ये भी चीज़ ट्राई करके देखी है। तो अब आपको क्या करना है, पहले दोस्तों जो बेसिक चीज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि वो फॉलो करने के बाद ही आपको आगे काम करना है। पहला चीज़ आपको प्ले स्टोर में जाके एक बार जो आपका व्हाट्सअप एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है दोस्तों, दूसरा काम आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो मैं आगे बताऊँगा उनको फॉलो कीजिएगा। यहाँ से क्या करना है, हम बैक कर लेते हैं, यहाँ से हम लोगों को कुछ होने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट मैंने इसको बैक कर लिया। हमें चले जाना है दोस्तों अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स ऐप आपको ओपन करना है, इसको ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। ठीक है, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट करके भी मिल सकता है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप लिस्ट करके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ऐप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे जितने भी दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन है जो ऐप है सभी देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे में आ जाना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। मेरे पास व्हाट्सअप भी है, इसका कोलोन भी है और बिजनेस भी है, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। व्हाट्सअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, तो इस पर आपको क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे आ जाना स्टोरेज यूजेस करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देना है। आपका जो एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, इसका डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, मैं दूसरा से पहले तीसरा तरीका बता देता हूँ ताकि दोस्तों के आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तीसरा तरीका क्या है, दूसरा को अभी हम लोग थोड़ा इस जो है स्टेप कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करना है, आप एग्री एंड कंटिन्यू करोगे अलाउ मांगेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नंबर तो डायल कर लेना। ठीक है, अगर नंबर डायल नहीं भी करोगे आप चाहो तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये आपको लास्ट में करना है, पहले जो दूसरा तरीका मैं उसको रोक देता हूँ। अब तक कुछ इस तरीके का आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको है ना दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम यानी आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाई व्हाट्सअप टीम। ठीक है, व्हाट्सअप टीम, उसके आपको यहाँ पे लिखना है माई व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड नॉट रिसीव, प्लीज़ फिक्स इट एज सून
एज पॉसिबल। अगर आपको इंग्लिश और अच्छी समझ आती है तो आप इससे भी बेहतरीन लिख सकते हैं। मैंने सिंपली लिखा है कि मुझे जो है मेरा व्हाट्सअप में जो वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करें। ठीक है, इसको दोस्तों आप जो है नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना नंबर भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में करना है, ये चीज़ कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिसीव वेरिफिकेशन कोड विदाउट रिक्वेस्टिंग। इस पर आपको क्लिक करके नीचे दोस्तों आके यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है, यस कर दोगे तो ये आपका जो है फीडबैक उनके पास चले जाएगा, वो देखेगा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। ये आपको बाद में करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको यहाँ पे आपका नंबर फिर से एंटर करना है। ठीक है, दूसरा काम के लिए तो मैं यहाँ पे नंबर अपना एंटर कर लेता हूँ पहले। तो मैंने अपना नंबर फिर से एंटर कर लिया, फिर से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो है प्रॉब्लम फिक्स होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करेंगे तो फिर से वही पहला वाला पेज आएगा कि भाई आपको जो है कॉल में लेना है या फिर SMS के द्वारा लेना है। तो SMS पे हम लोग क्लिक करेंगे तो नंबर पर दोस्तों अभी देखते हैं कि SMS आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टाइम लग गया है, देख सकते हैं मेरा जो है OTP भी आ गया और ये ऑटोमेटिकली वेरीफिकेशन भी हो गया। आपके सामने मैंने ये चीज़ कर लिया, आप देख सकते हैं। तो भाई ये आपको क्या करना है, क्लियर डाटा पहले कर लेना है, और दोस्तों एक बार आप जो इसको हेल्प सेंटर में इसका जो है रिपोर्ट भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यू वगैरह कर लीजिएगा। जैसे कंटिन्यू करोगे अलाव वगैरह मांगेगा तो अलाव वगैरह आपको दे देना है। ठीक है, अब दोस्तों अलाव वगैरह देने के बाद आपका जो है कुछ इस प्रकार का जो ये लॉगिंग थोड़ा बैकअप वगैरह जो भी होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बैक जो है परमिशन ले सकते हो, अगर नहीं करना तो आप सिंपली स्किप कर दोगे और यहाँ पे आपको अपना जो भी है ID वगैरह का ये नाम वो सब कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिख देता हूँ अभी जैसे आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने का थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का जो है सारा चीज़ ओके हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर डाटा करके देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों को दोस्तों लॉग आउट हो रहा है, ठीक है, तो अपने फ़ोन को एक बार वो रीसेट कर ले, क्योंकि दोस्तों फ़ोन रीसेट कर लीजिएगा और आपको जो क्रोम ब्राउज़र को जो है उसका भी क्लियर डाटा कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई अगर आपके नंबर को जो है एक्सेस करके रखा है तो वो आपका हट जाए।